हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, अभी एक ज़बरदस्त न्यूज अभी हाईलाइटेड हो रही है, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ये न्यूज़ है। ठीक है, चुनाव कब हो रहे हैं, किस डेट पे होना है, सारे प्रोसेस थोड़ी सी में हम यहाँ संक्षिप्त में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और इसका शिक्षक भर्ती से क्या लेना देना है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है, न्यूज़ क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को आचार संहिता चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ लग गई है। पूरे राज्य में 21 दिसंबर को मतदान और 24 को मतगणना की जाएगी। ठीक है, 21 दिसंबर 2019 की बात हो रही है। ओके, इस बार मतगणना के परिणाम देर से आने की उम्मीद है, तो ये थोड़ा सा निराशाजनक खबर हो सकता है। जल्दी हो जाता तो इससे शिक्षक भर्ती पर थोड़ा शायद असर नहीं पड़ता। इस बार मतगणना के परिणाम देर से आने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार प्रदेश भर में निकाय चुनावों में बैलेट पेपर से मतदान कराए जाएंगे। जैसे कि अगर आपको मालूम होगा तो अभी ये जो नगरीय निकाय संबंधित जो चुनाव है वो बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। इस आशय की घोषणा आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की है। ओके, 30 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी और उसी दिन से शुरू हो जाएगा नामांकन। 6 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 9 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की जा सकेगी और उसी दिन शाम को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। 21 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डालने जाएंगे एवं 24 दिसंबर को मतगणना शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये है, उसको देख सकते हैं। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 30/11/2019 शनिवार पूर्वान्न 10:30-10:30। ठीक है, यहाँ सारी चीज़ दिया गया है डेट वाइज। ओके, तो ये ठीक है। और मतगणना निर्वाचन परिणामों की घोषणा 24/12/2019 मंगलवार प्रातः 9 बजे से। ओके, तो ये सारा चीज़ है। तो देखिए, इसका शिक्षक भर्ती पर क्या असर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इसका हमारे शिक्षक भर्ती से भी इसका कहीं ना कहीं जो भर्ती प्रक्रिया है कहीं ना कहीं बाधित होगी। और जितना जल्दी चुनाव निपट जाए और जितने भी परिणाम जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा, और जल्द जल्द तत्पश्चात ज्वाइनिंग दी जा सकेगी। इससे पहले मैं बता दूं कि जो गेस्ट लेक्चरर नियुक्त किया गया व्याख्याता वर्ग एक का, उनका मार्च तक का बॉन्डिंग है। ठीक है, तो अब वैसे न्यूज में तो आ रही है कि जल्द ही व्याख्याता की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नगरीय निकाय चुनाव है इसको प्रभावित करेगा, इसके चलते बाधित हो सकता है। लेकिन वेरिफिकेशन प्रक्रिया, रिजल्ट डिक्लेयर होने की जो प्रक्रियाएं हैं, वैसे तो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है लेकिन अभी तक ई सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया निश्चित रूप से हो सकती है, इसके साथ कोई भी बाधा नहीं है, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया तब तक नहीं हो पाएगी जब तक कि चुनावों का जो परिणाम घोषित नहीं हो जाता। और आचार संहिता, जैसे आचार संहिता खत्म होगा तत्पश्चात नियुक्ति देने की संभावना हम बता कर सकते हैं। ओके, लेकिन इन बिटवीन नियुक्ति करना मुनासिब नहीं हो सकता। ठीक है, और जब भी आचार संहिता लगता है तो किसी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो जाती है, तो आप जान ही रहे होंगे, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए जितना जल्दी छत्तीसगढ़ का जो नगरीय चुनाव है वो हो जाए और आचार संहिता तत्पश्चात जल्द से जल्द खत्म हो और भर्ती एकदम तत्काल नियुक्ति शासन को करना चाहिए, क्योंकि जो बेरोजगार हैं जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से पहली बार रेगुलर शिक्षक की भर्ती हो रही है। तो जल्द से जल्द अगर इसका नियुक्ति प्रक्रिया अगर करती है गवर्नमेंट, तो वाकई एक बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा खबर हो सकता है ये। लेकिन भी इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जल्द से जल्द अभी हमें मांग करनी चाहिए कि जो भी अभी वर्ग 3 वर्ग 2 प्रयोगशाला के जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द प्रारंभ करवाया जाए और इसके लिए जो भी आवश्यक कदम है उसके उठाना चाहिए, ताकि एकदम जल्द से जल्द इस पर कदम बढ़ाया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी स्टडी जारी रखें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का घंटा जरूर दबाएं।